गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू फीलिंग टुडे? फाइन. कैन आई नो योर नेम प्लीज? हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर अपूर्व पौराणिक. मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और इंदौर से आता हूँ. ओके. सो बेसिकली एपिलेप्सी अवेयरनेस के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो अगर आपको आम भाषा में हमारी जनता को बताना है एपिलेप्सी क्या है, तो आपके लिए वो डेफिनेशन क्या होगी साधारण भाषा में? मिर्गी एक दिमाग की बीमारी है, अंदर ब्रेन में से उठती है, किसी को भी हो सकती है. और इसमें कुछ क्षणों के लिए या कुछ मिनटों के लिए मस्तिष्क में बहने वाली जो बिजली है वो ज़्यादा विस्फोट के साथ निकलती है. व्यक्ति को बार बार दौरे आते हैं, ये जीवन भर आ सकते हैं और इस बीमारी का इलाज संभव है. जब ये दौरे आते हैं कुछ मिनट के लिए तो व्यक्ति या तो गिर सकता है, बेहोश हो सकता है, हाथ पाँव में झटके आ सकते हैं. लेकिन इसके अलावा कुछ छोटे प्रकार के मिर्गी के दौरे होते हैं जिसमें इंसान गिरता नहीं है. पर एक ख़ास बात है कि मिर्गी का मरीज अपने दौरों के अलावा बाकी समय लगभग पूरी तरह से सामान्य, स्वस्थ, नॉर्मल रहता है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर. उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैं ऑफिस एरिया में हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे कलीग को मिर्गी के दौरे आते हैं, और अगर उसको मेरे सामने मिर्गी का दौरा आया तो मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त? मिर्गी के दौरे की प्राथमिक चिकित्सा बहुत आसान है. हाथ बांध लो, दो कदम पीछे हट जाओ और मरीज को देखते रहो. खैर, ये तो मजाक की बात हो गई. सीरियस नोट पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब किसी व्यक्ति को दौरा आता है और आपको पता नहीं ये क्या हो रहा है, आप घबरा जाते हैं, पहली चीज़ है घबराना नहीं. मिर्गी के दौरे में आम तौर पे इंसान को कोई ख़ास ख़तरा नहीं होता है. ये दौरे सेल्फ लिमिटिंग अर्थात अपने आप समाप्त होने वाले होते हैं. व्यक्ति के मुंह में कुछ डालना नहीं, कुछ फंसाना नहीं, चम्मच भी नहीं, कपड़ा भी नहीं, रुमाल भी नहीं, दवाई भी नहीं, पानी भी नहीं. और अगर उसके कपड़े टाइट हों तो ढीले कर दीजिए, खिड़की खोल दीजिए, ताज़ी हवा आने दीजिए, घेर के मत खड़े रहिए. उसके हाथ पांव जो हिल रहे हैं उनको दबाने की कोशिश मत कीजिए, मालिश मत करिए हाथ पांव की, बस उसे वॉच करिए, देखते रहिए. एक या दो या तीन मिनट में दौरा अपने आप समाप्त हो जाता है. उसके बाद व्यक्ति थोड़ा बेहोश रहेगा, उसके मुँह में थूक या लार या कफ जमा हो रही होगी, उसको करवट से लिटा दो, उसको एक साफ कपड़े से पोंछ दो. यदि व्यक्ति को गिरने का या कहीं टकराने का, खुद को चोट लगने का डर हो तो उसको सुरक्षित जगह पर लिटा दो. बस ये उसकी प्राथमिक चिकित्सा है. थैंक यू सो मच सर, आपकी इतनी छोटी सी एडवाइस जो इतनी सिंपली आपने बता दी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. थैंक यू. नमस्कार.